वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज है कासमी दायरा का डे टू, यहाँ पर आज डिफरेंट तरह की वर्कशॉप्स डिज़ाइन की गई हैं। ये सारा ब्लॉग आपने एंड तक देखना है। और आज सैटरडे का दिन है, सुबह 6 बजे मैं निकली थी टेक्सला से और 8 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गई। दिस इज़ IFK गोल्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में सवाल होंगे कि हम इसके अंदर आए कैसे हैं कासमी दायरा में। तो डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये लिंक सर्कुलेट हुआ था और जगह जगह इवेंट्स आते रहते, इवन न्यूज़पेपर में भी एड्स आते हैं इस तरह के इवेंट्स के बारे में। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। उसके बाद हमारे पास ये काफ़ी लंबी एप्लीकेशन थी, इसमें हमने अपने वीडियो प्रूफ्स भी देने थे कि अगर हमने पहले कोई इस तरह की मूवमेंट अटेंड की है कि नहीं। फिर हमारा छोटा सा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद पूरे डिफरेंट कम्यूनिटीज़ से, डिफरेंट एथनीसिटीज़ से, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स से हमारे पास यहाँ पर लोग सेलेक्ट होते हैं। तो अराउंड 27 खवातीन थी, जिसमें कि ट्रांस वुमेन थी, डिसेबल वुमेन थी और मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ। उसके बाद हम डे वन की वर्कशॉप अटेंड कर आज डे टू में आ चुके हैं। तो आप लोग पूछना चाह रहे थे कि कासमी दायरा बेसिकली है क्या। तो कासमी दायरा प्रोजेक्ट है फोरम ऑफ डिग्निटी इनिशिएटिव्स के अंडर, जो कि 2013 से स्टार्ट हुए थे। ये इसका 3rd to 4th सेशन है, डिफरेंट शहरों में होता रहता है जहाँ से खवातीन सेलेक्ट होती है और उनकी ट्रेनिंग की जाती है। उनको अपने पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स के बारे में बात बताया जाता है, कैंपेन्स के बारे में बताया जाता है और हाउ दे कैन बिल्ड। बाद में आपको बताती हूँ कि कासमी दायरा का बेसिकली मतलब क्या है। कासनी पर्पल कलर को कहते हैं, ये इनका लोगो है और इसमें आप लोग देख सकते हैं दायरे बने हुए हैं। दायरा इनकम्प्लीट है कि ये चलता जा रहा है। दिस मीन्स कि आप इसमें ऐड करते जाएंगे खवातीन को, तो इट्स अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन। आगे की ट्रेनिंग्स में क्या होगा वो आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो आपको फिर हम बताएंगे। यार अभी जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हमने क्या होटल एक्सप्लोर करेंगे, देखें कैसे है। वैसे हम लोग पहले पीछे देख सकते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े मजे का और वो पीछे जितने भी रास्ते हैं अभी देखेंगे वहाँ पर क्या है। हमें मैम ने टास्क दिया हुआ है कि आप लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री, जब से पाकिस्तान का इंसेप्शन आया वहाँ से लेकर अप टू डेट जो अभी टॉपिक चल रहा है वहाँ पर आप लोग उसकी हिस्ट्री डिस्कस करें। सारी अपनी रिसर्च किया 45 मिनट्स में और हम प्रेजेंट करने वाले हैं उसे। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे ग्रुप मेम्बर्स चार्ट पेपर पर हम लोग सारी हिस्ट्री नोट करें। ये मैंने और रिस्पा ने अगला अपना टास्क कम्प्लीट किया है और हमारा ग्रुप बाकी। ये फिर हमने डिस्प्ले किया है और उसके बाद हम हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी। खाना खाने आए हुए थे यहाँ पर, हम आपको खाने का रिव्यू बताते हैं। यहाँ पर फ्राइड राइस, मंचूरियन भी गर्म है, फिर हमारे पास है चिकन कोरमा, देन दाल काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, दाल काफ़ी अच्छी थी और इसमें थोड़ी मजी खुशबू आ रही है। देन है लज़ाना जो कि अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये भी बहुत से लोगों को पसंद आया है। देन है गोल्डन फ्राइड फिश, कहा भी हमारे पास है पोटैटोस, आलू हमारी कॉम का नेशनल पोटैटो, यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन और सारा मीठे। अच्छी क्या चीज़ है? फिश बहुत अच्छी है, लज़ानिया एवरेज है, अभी भी है। आप क्या डाल रही हैं? और ये साथ लज़ानिया का भी, आपसे लज़ानिया का भी रिव्यू चाहिए हमें।
korma. Okay. And this is lasagna. But it's not good in taste. Lasagna nahi acha tha? No, but it's fine. Or what about aloo? Aloo is so good and dal is amazing. Dal ki tarif kiya hai maine dal. आप क्या कहना चाहेंगी? क्या चीज़ सबसे अच्छी? और अभी हम ये लॉबी में वापस आ गए और फिर हम फोटो शूट करने वाले हैं। 3 बजे हमने वापस जाना है ऊपर, पहले पहले फोटो शूट करना है। तो आपका फोटो शूट चल रहा है। मैं हमारा डे 2 एंड हो चुका है और हमें बहुत मज़ा आया है। आपको कैसा लगा? बहुत इंजॉय किया। देख रहे हैं आप, सबने बहुत इंजॉय किया डे 2। अब डे 3, 4, 5, 6, 7 के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पर हमारा ब्लॉग एंड होता है, डे 2 ख़त्म हुआ और अभी शाम 6 का टाइम है। अब हम वापस चलते हैं टेक्सला की तरफ और ख़याबान जोहर से हम सदर जाएंगे, वहाँ से टेक्सला के लिए निकलेंगे। Thank you.